अब आपको ये पता लग गया है कि आपने एक सर्टन सिस्टम क्यों चूज किया। अब चूंकि आपने ये सिस्टम चूज कर लिया है तो इसमें इस ये सिस्टम किस तरह काम करता है ये आपको पता होना लाजमी है। बिकॉज फिर प्रॉब्लम क्या आती है कि आप कहते हैं ये है कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं, लेकिन आप जो है इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वॉरेन बफेट बनके। आपकी पर्सनैलिटी और आपका इन्वेस्टिंग स्टाइल मुख्तलिफ हो जाता है। जब तक आप स्ट्रक्चरिंग नहीं करेंगे अपने सिस्टम की, जब तक आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। मुझे इसमें स्टिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब नाउ द सिस्टम टेल्स यू, तो अगर मैं किसी दो स्टॉक्स में फंस गया पीक में बुल साइकिल की और मैं उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गया पर्सनालिटी चेंज करके, अब मैं सोचता हूँ कि मैं क्या करूँ, सो आई गॉट टू चॉइसेस। इधर तो मैं उसमें एग्जिट कर जाऊँ और अब से मैं वो गलती ना करूँ चीजों को स्ट्रक्चरल वे में लूँ, या फिर मैं बोलूँ कि गुड यार लेट मी डू वन थिंग इन दोस 2-3 स्टॉक्स दैट आई वाज स्टक इन, आई विल डेवलप अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सिस्टम एंड आई विल डू रूपी कॉस्ट एवरेजिंग इन दैट।